नमस्कार साथियों, इतिहास की कहानी में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे नगर और व्यापार का विकास। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी तक नगरों का और व्यापार का कैसे विकास हुआ, कैसे उत्थान और पतन हुआ, ये पूरी कहानी समझेंगे। हमने पढ़ा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि क्रांति अपने चरम पर थी। जैसे ही कृषि क्रांति होती है, किसान के पास अधिशेष उत्पादन होता है। कहने का मतलब है कि उसके पास इतना अनाज पैदा होता है जो उसकी जरूरत से ज्यादा है। तो जैसे ही अनाज जरूरत से अधिक मात्रा में पैदा होता है तो किसान की इच्छा आवश्यकताएं बढ़ने लगती है और अब वह अनाज के बदले दूसरी सेवाएं, अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, औजार और कई इच्छा पूर्ति की वस्तुएं चाहने लगता है। और जैसे ही ये चाहत आती है, अनेक कारीगर और दूसरे लोग उसकी चाहत और इच्छा की पूर्ति के लिए अनेक तरह की वस्तुएं बनानी शुरू करते हैं, तो बहुत तरह के काम धंधे समाज में शुरू होते हैं और यहीं से शुरू होता है नगरीकरण। तो आपने ये देखा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक महाजनपद बस चुके थे जिनकी संख्या लगभग 16 थी। तो ये सारे के सारे महाजनपद नगर थे और आसपास के गांवों की जरूरतों की आपूर्ति करते थे और आसपास के गांव इन्हें अनाज और अन्य जरूरत की वस्तुएं, जो फसल वगैरह होती थी, उनकी आपूर्ति करते थे। तो इस तरह से नगर, व्यापार और साम्राज्य एक साथ शुरू हुए। तो यहां पर हम इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो नगर थे, ये ज्यादातर महाजनपदों की राजधानियां थे और ज्यादातर संचार के मार्गों पर बसे हुए थे। कुछ नगर ऐसे मिलेंगे जो नदी मार्ग पर थे और कुछ सथल मार्ग पर थे। देखिए आप कि जो ये उज्जैनी है, आज के मध्य प्रदेश में है, इसे जितने भी उत्तर से दक्षिण जाने वाले और पूर्व से पश्चिम जाने वाले जो मार्ग थे, इस तरह से उनके चौराहे पर बसी हुई थी। एक तरह से कहने का मतलब है कि सभी मार्ग उज्जैनी से हो करके गुजरते थे। और इसी तरह से जो पुहार एक बंदरगाह नगर था चोल साम्राज्य का, और यह समुद्र तट पर था बंगाल की खाड़ी की तरफ। यहाँ पर एक मथुरा नगर के बारे में भी बताया गया है। तो मथुरा नगर था, वह यमुना नदी के किनारे भी था, तो नदी मार्ग भी था और सथल मार्ग से यह दक्षिण और उत्तर की उत्तरापथ मार्ग के साथ भी जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर आपको ये पाटलिपुत्र की कहानी भी दिखाई हुई है। पाटलिपुत्र नगर की कहानी। पाटलिपुत्र शुरुआत में एक छोटा सा गांव था और यह नदी मार्ग पर था, और जैसे ही ये मगध साम्राज्य की राजधानी बनता है और नदी मार्ग पर होने की वजह से यह राजनीति का भी केंद्र बनता है और साथ साथ यह व्यापार का केंद्र भी बनता है। तो ये काफी अपने टाइम में, जब ये पीक टाइम था इसका, तो ये कहा जाता है कि यह एशिया का सबसे बड़ा नगर बन चुका था पाटलिपुत्र, आज का पटना। तो बाद में जैसे ही चीनी यात्री 7वीं शताब्दी में भारत में आता है तो वो देखता है कि पाटलिपुत्र खंडहर में तब्दील हो चुका है, अर्थात अब यह एक बसा हुआ नगर नहीं था। तो अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है नगरीय जनसंख्या, कि नगरीय जनसंख्या में कौन लोग थे। जैसे आजकल होते हैं उसी तरह उस समय में भी थे, जैसे संभ्रात वर्ग अर्थात अमीर लोग, शिल्पकार, इसमें राजा महाराजा, उनके सैनिक, अधिकारी और अनेक व्यापारी, अनेक प्रकार के काम करने वाले शिल्पकार, ये सब कुछ होते थे। और जो राजा लोग होते थे वो किलों में रहते थे। और जैसे आजकल भी जो अमीर लोग हैं, सम्राट जिनको बोलते हैं, एलाइट, वो भी किस तरह की वस्तुएं प्रयोग करते थे। तो उस समय के जो सम्राट वर्ग थे वो मिट्टी के कटोरे और थालियां तो मिलती थी, लेकिन वो एक खास किस्म की थी, उनको हम उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहते हैं और इंग्लिश में इसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं, कि मिट्टी के बर्तन होते हैं और उन पर ब्लैक पॉलिश की हुई होती है। तो इस तरह के उस टाइम की यह एक वीआईपी वस्तु थी। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होते थे। ये देखिए, ये उसी तरह के एक मिट्टी के बर्तन के छोटा सा अवशेष यहाँ पर दिखाया गया है। ऊपर देखिए किस तरह से काली पॉलिश की गई है, इसलिए इसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये उस समय एक महत्वपूर्ण वस्तु मानी जाती थी और इसमें मिट्टी के कटोरे और थालियां बनती थी, मटके और बड़े बर्तन नहीं बनते थे। इसी तरह वो सोने चांदी तांबे और हाथी दांत और शीशे से बनी हुई वस्तुओं का भी प्रयोग करते थे। और जो ये बड़े सम्भ्रात लोग होते थे, ये जो भी दान वगैरह करते थे और दान के नाम के साथ साथ वो अपने व्यवसाय और ये दान किसको किया है, मूर्ति वगैरह सब कुछ दर्ज होता था। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक मूर्ति का टुकड़ा मिला है और ये बताया गया है कि यह जो मूर्ति है ये मथुरा से मिली है और इसका ये नीचे जो अभिलेख लिखा है ये प्राकृत भाषा में है। और यह जो मूर्ति बनवाई गई है यह एक स्वर्णकार अर्थात सोने का काम करने वाले धर्मक नाम के आदमी की पत्नी नागपिया द्वारा बनाई गई है। तो इस तरह से जैसे आज भी लोग जो डोनेशन करते हैं, आप बहुत सी जगह पर धर्मशाला और अन्य जगह पर देखते हैं कि एक पत्थर की पटिका लगी होती है और उसमें उनके नाम खुदे होते हैं कि उसने इतना दान किया है, उसने इतना। तो ये काफी प्राचीन काल से चला आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये मानचित्र दिखाया गया है, महत्वपूर्ण नगरों का जिक्र है। देखिए तक्षशिला जो कि उत्तरापथ, यहाँ से एक मार्ग जाता था जो बंगाल से शुरू होकर के तक्षशिला से होते हुए अफगानिस्तान से होते हुए रेशम मार्ग तक जाता था। आप रुकिए, आपको रेशम मार्ग से भी परिचित करवाया जाएगा। और ये मथुरा है, ये भी उत्तरापथ के पास में ही पड़ता था और साथ में ही जो दक्षिण में जाने वाला मार्ग था उसके भी रास्ते में मथुरा आता था। तो मथुरा भी एक महत्वपूर्ण ट्रेड सेंटर था। इसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो भृगु कच्छ और सोपारा, ये भी महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर थे। और ये जो उज्जैनी जो हम कह रहे थे ये देश के मार्गों का चौराहा था। देखिए इधर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाले मार्ग और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग के चौराहे पर पड़ती थी, अर्थात बिल्कुल मध्य स्थिति थी। तो ये मध्य स्थिति होने के कारण उज्जैनी बहुत लंबे समय तक भारत का एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। चलिए देखते हैं कि दुनिया के साथ में व्यापार कैसे होता था। तो ये मानचित्र देखिए आप, ये सारे के सारे जितने भी आपको यहाँ पर ये लाइनें दिखाई दे रही है ये सारे के सारे ट्रेड रूट है, मतलब व्यापार करने के मार्ग। और ये है सिल्क रूट। सिल्क रूट का मतलब है कि जहां से सिल्क का व्यापार होता था, चीन में सिल्क बनता था और पूरे के पूरी दुनिया में यहां से सप्लाई होता था और पूरी दुनिया चीन में बने हुए सिल्क का प्रयोग करती थी। और जितने भी धनी लोग होते थे वो सब चाहते थे कि हमें चीन का सिल्क मिले। और चीन की यहाँ पर एक खास बात रही कि उसने कभी भी किसी को ये नहीं बताया हजारों सालों तक कि चीन है वो रेशम का उत्पादन कैसे करता है। तो ये एक बहुत बड़ी गोपनीयता रखी गई उनके द्वारा। और देखिए ये मार्ग कहाँ से, यहाँ चीन से, यहाँ मध्य एशिया से होते हुए और इधर ये जो फारस जो आज का जो ईरान और इराक का क्षेत्र है वहां से होते हुए ये यूरोप में जाता है। और यहाँ से फिर ये साथ में जो भारत का ये उत्तरापथ है जो यहाँ बंगाल से चल करके और इधर आगे बढ़ते हुए इधर मध्य एशिया की ओर रेशम मार्ग से मिल जाता है। इसी तरह से ये उत्तरापथ से मिलते हुए भारत के अन्य मार्ग है, यहीं पर आपको रास्ते में मथुरा मिलेगी और इधर ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से। और इसके अलावा ये देखिए हमारा यहाँ से फारस से होते हुए, जिसे फारस की खाड़ी कहते हैं, वहां से होते हुए भी आगे तक व्यापार था। आगे जा करके यही फारस की खाड़ी से रेशम मार्ग के साथ में मिल जाता था। इसी तरह से आप देखिए यहाँ जब आप ये देख रहे हो इसे रेड सी या लाल सागर कहा जाता है। यहाँ से भी यूरोप, ये मेडिटेरियन सी है अर्थात भूमध्य सागर, और यहाँ पर इटली वगैरह यूरोप के देश सारे के सारे यहाँ से जुड़ जाते थे। और ये है आज का लाल सागर। तो यहाँ से भारत का डायरेक्ट व्यापार होता था। और यहाँ पर रोचक बात यह है कि उस समय में एक पुस्तक लिखी हुई मिली है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ अर्थरियन सी। पेरिप्लस का अर्थ होता है समुद्री यात्रा और अर्थरियन सी का मतलब है लाल सागर। तो जो लाल सागर की समुद्री यात्रा का यहाँ पर बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो रोम के लोग थे वो भारत के साथ में ट्रेड करते थे। और ये भी अनेक ग्रंथों से पता चला है कि भारत को इस ट्रेड का बहुत लाभ होता था क्योंकि यहाँ से जितनी भी वस्तुएं वो भारत से
लेकर के जाते थे, जैसे दालचीनी, जैसे काली मिर्च, क्योंकि ये जो मसाले थे यहाँ से जो भारत के दक्षिण भाग से लेकर के जाते थे और बदले में स्वर्ण मुद्राएं देते थे। तो इस कारण से भारत में बहुत से रोमन सिक्के खासकर दक्षिण भारत में मिले हैं। और इसके साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी व्यापार था और यहाँ से होते हुए चीन के साथ भी व्यापार था। ये देखिए इधर तक, तो ये काफी, ये लगा लीजिए कि एक बहुत। तो इस तरह से हमने मानचित्र की मदद से पूरे भारत का विश्व के साथ में व्यापार देखा। और ये भी आपने देखा कि भारत का जो व्यापार था वो बहुत ही समृद्ध था और पूरी दुनिया से स्वर्ण और अन्य धातुएं भारत में आती थी। अब आप ये भी देखते होंगे कि ये इस तरह से व्यापार और उत्पादन करता कौन था। तो भारत में व्यापारियों के बहुत से संघ बने होते थे, जैसे आजकल कंपनियां बनी होती है, बहुत से व्यापारी और बहुत से कारीगर मिलकर के एक यूनियन बनाते थे, संघ बनाते थे और अपना कच्चा माल संयुक्त रूप से खरीद करके उसे तैयार करते और उस तैयार माल को फिर बाजार में बेच देते थे। तो बहुत से संघ होते थे, जैसे बुनकरों का संघ होता था, बढ़ईयों का संघ होता था, कुम्हारों का, स्वर्णकारों का संघ होता था, लोहकार जिसे लोहार कहते हैं उनके संघ होते थे, और अनाज पीसने वालों का संघ होता था, तेल बनाने वालों का संघ होता था, व्यापारियों के संघ होते थे जो दूसरे देशों से व्यापार करते थे। तो संगठन बना करके व्यापार करते थे और उन संगठन को जो मिल करके सारे व्यापारी बनाते थे उन्हें उस टाइम में श्रेणी कहा जाता था। और यही श्रेणियां कच्चा माल लेती, तैयार करती और फिर देश और विदेश में बेच देती थी। तो इस तरह से भारत का जो व्यापार था वो पूरी दुनिया में बहुत ही समृद्ध था। और इसमें जो मार्ग थे, अभी अभी आपने देखा, स्थल मार्ग भी थे और जल मार्ग भी थे। तो समुद्र के मार्ग में आपने अभी अभी देखा कि सोपारा, भृगु, कच्छ इत्यादि बंदरगाहें थी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से होते हुए हमारे व्यापार होते थे। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि पेरिप्लस ऑफ अर्थरीन सी की यात्रा का जिक्र है कि काली मिर्च और दालचीनी वगैरह लेकर के यहाँ से जाते थे और बदले में बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं रोमन साम्राज्य से लेकर के यहाँ पर आते थे। तो यह इसी तरह से बंगाल की खाड़ी से हम होते हुए इधर चीन से व्यापार करते थे और जो अंदर जो देश के होता था स्थल मार्ग से वो बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चर इत्यादि से व्यापार होता था। अभी अभी हम जो जिक्र कर रहे थे कि व्यापारियों के संगठन बने होते थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था, उन श्रेणियों के मुखिया वगैरह जो होते थे उनके लिए भी अलग से पद बने होते थे। तमिल भाषा में जो बड़ा व्यापारी होता था, जो सबसे धनी व्यापारी होता था, उसे मस्तुत्वन कहा जाता था। और प्राकृत भाषा जो कि नॉर्थ इंडिया में स्थानीय लोगों की सामान्य भाषा थी उसे सत्वा या सार्थवा कहा जाता था। इसी तरह से श्रेष्ठी और सेठी भी कहा जाता था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आज भी हम किसी बड़े व्यापारी को सेठ ही कहते हैं, तो इस शब्द की शुरुआत वहीं से होती है। तो बड़े धनी होते थे ये, नमक, अनाज, कपड़ा, धातु इत्यादि वस्तुओं, लकड़ी, जड़ी बूटियों का व्यापार होता था। और रोमन साम्राज्य के साथ में खासकर काली मिर्च, मसालों, कपड़ों और जड़ी बूटियों का व्यापार होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्के और राजा। तो व्यापार के लिए सिक्के बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर सिक्के नहीं होंगे तो वस्तु विनिमय करना पड़ता है, अर्थात एक वस्तु दीजिए और दूसरी वस्तु लीजिए। तो आपको, आप कहीं पर जाओगे तो एक बहुत बड़ा स्टॉक लेकर के चलोगे, जैसे किसी ये लगा लीजिए किसी ऊंट गाड़ी या बैल गाड़ी या किसी और जहाज में बहुत सा सामान लेकर के आपको व्यापारी को चलना पड़ेगा और फिर ही आप लेकर के आ पाओगे। लेकिन जैसे ही मुद्रा की शुरुआत होती है ये व्यापार बिल्कुल आसान होता है कि आप दूसरी जगह पर सिक्के लेकर के जाते हो और बदले में सामान लेकर के आ जाते हो। तो सिक्के व्यापार की समृद्धि और विकास के लिए बहुत ही जरूरी थे। तो शुरुआत में जो सिक्के आते हैं उन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। मौर्य काल में आहत सिक्के आते हैं। आहत सिक्के क्या होते हैं कि जब कोई भी धातु गर्म होती है उस पर चोट मार करके अर्थात पंच मार करके सिक्का तैयार किया जाता है। पंच के अंदर जो मुहर होती है उसमें एक निशान होते, चिन्ह होते हैं, वो उस फिर गर्म धातु पर
वैसे के वैसे उखेरे जा सकते हैं, इसलिए इनको आहत सिक्का कहा जाता है। आहत का मतलब चोटिल हुआ या फिर छपाई। इसी तरह से इंग्लिश में इसे पंच मार्क सिक्के कहा जाता है। तो ये जो मौर्य साम्राज्य था उस काल में आहत सिक्के मिले और इन आहत सिक्कों पर मौर्यों के बहुत से प्रतीक मिले हैं। तो सिक्के राजाओं द्वारा भी जारी किए जाते थे और बहुत से जो हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि बहुत से जो श्रेणियां होती थी, जो संगठन होते थे व्यापारियों के, वो भी सिक्के जारी करते थे। तो सिक्कों के विकास की अपनी एक कहानी है। तो सिक्कों की जो विज्ञान है उसका सबसे ज़्यादा विकास हिंद यूनानी शासकों के काल में हुआ था। हिंद यूनानी मतलब है वो एक मिश्रण तैयार हो गया था कि जैसे ही यहाँ से सिकंदर वापस जाता है और बहुत से यूनानियों को यहीं भारत की सीमा के आसपास राज्य दे करके जाता है कि आप यहाँ पर शासन कीजिए, और जब उनका और हिंदुस्तानी लोगों का जो मिश्रण बनता है तो उन्हें हम हिंद यूनानी शासक कहते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले लेख युक्त सिक्के जारी किए थे। लेख युक्त का मतलब है इन पर चिन्ह के साथ साथ कुछ न कुछ लिखा होता था। इसी तरह से सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने चलाए थे, जिनकी हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था कुषाण राजाओं के बारे में, और बहुत से सोने के भंडार इनके पास होते थे। तो इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए जिनकी प्योरिटी भी ज्यादा होती थी, और रोमन सम्राटों, ईरान और पार्थियन शासकों के द्वारा जारी सिक्के भी मिलते हैं भारत में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने खास बात क्या देखी, खास बात ये थी कि केवल राजा महाराजा ही ये सिक्के जारी नहीं करते थे, बल्कि श्रेणियां भी सिक्के जारी करती थी। तो इस तरह से दक्षिण भारत है वो रोमन साम्राज्य के साथ बहुत व्यापार करता था, और स्वाभाविक है कि अगर इतना व्यापार था तो रोमन सिक्के, आप भी समझ पाओगे कि रोमन सिक्के सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में ही प्राप्त होते हैं। इसी तरह से पंजाब और जो हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ पर योधे नाम का एक कबीला था, कबीलाई गणराज्य था, जिसके सिक्के यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में काफ़ी मिले हैं। और सिक्के जिस सांचे में ढाले जाते थे वो ढांचे और सांचे ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। ये जैसे ही सांचे मिलते हैं उनसे बहुत तरह के जो मुद्रा शास्त्र के विशेषज्ञ होते हैं वो अनुमान लगा सकते हैं। मुद्रा शास्त्र को भी आपके लिए जानना जरूरी है कि मुद्रा शास्त्र क्या है। तो मुद्रा शास्त्र का अर्थ होता है जो सिक्कों का अध्ययन करे। इंग्लिश में इसे न्यूमिस्टमेटिक्स कहते हैं। ये जो न्यूमिस्टमेटिक्स की जो साइंस होती है वो सिक्के की प्योरिटी की जाँच कर सकती है। इसके अलावा वो ये स्टडी करती है कि ये जो सिक्कों पर जो सिंबल है, ये सिंबल किस युग से जुड़े हुए हैं, किस राजा से जुड़े हुए हैं या किस श्रेणी से जुड़े हुए हैं, इसमें स्वर्ण की या चांदी की प्योरिटी कितनी है, ये किस काल के हैं, इन पर जो लिखा हुआ है वो किस लिपि में है, किस काल में कैसी लिपि थी। तो इस तरह से बहुत सी विज्ञान न्यूमिस्टमेटिक्स और मुद्रा शास्त्र से जुड़ी हुई होती है, और जो इतिहास के अध्ययन में बहुत ही मददगार होती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि किस तरह से सिक्के इतिहास के जानने में महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि भारत का जो रोम से व्यापार था, और वो मध्य एशिया से होते हुए चीन के साथ भी था और भारत के साथ भी था। तो चौथी पांचवीं शताब्दी के आसपास कुछ एक ऐसी घटनाएं घटी जिस कारण से भारत का रोम के साथ व्यापार है वो कम हो जाता है। तो कारण क्या रहा? पहला कारण ये कि रोमन लोगों ने चीनी लोगों से ये सीख लिया था कि वो रेशम का निर्माण कैसे करते हैं। तो जिस रेशम के व्यापार के लिए वो भारत और मध्य एशिया से होते हुए चीन की ओर जाते थे, वह अब आवश्यकता उनको नहीं रही थी। दूसरा, और एक जो भारत और रोम के बीच का जो क्षेत्र था, इसी दौरान हूण जो जाति थी उसका आक्रमण हुआ और उसने जो बीच का जो रेशम मार्ग था उस पर कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के बाद में व्यापार की अवनति हुई, और उस कारण से भारत के साथ जो रोम का और अन्य देशों का जो व्यापार कम हुआ, उस वजह से क्या हुआ कि भारतीय माल की मांग और भारतीय माल का आयात निर्यात बंद हुआ। और ये आपको पता ही है कि भारत में कोई भी बड़े सोने की या चांदी की जो खान या लगा लीजिए खनिज ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलते थे, तो सोने और चांदी की कमी हो गई भारत में, और भारत में एक आर्थिक संकट आया।
आर्थिक संकट कैसा कि अब जो कीमती धातुएं वो मिलनी बंद हो गई है, इस कारण से सिक्के नहीं ढाले जा सकते, और अगर सिक्के नहीं ढाले जा सकते तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव आएगा। वो बहुत बड़ा प्रभाव क्या होगा कि अब आप बताइए कि राजा जो है अपने सैनिकों को वेतन कैसे देगा। तो राजा को सैनिकों को वेतन देने के लिए अब मुद्रा नहीं है, तो वो बदले में अब भूमि देगा। जैसे ही वो भूमि और गांव देता है तो धीरे धीरे यही जो उसके अधिकारी है वो सामंत बनते हैं, और सामंत बन करके वो फिर धीरे धीरे राजा को उसमें से जो शेयर और टैक्स बनता है वो देना बंद कर देते हैं। जैसे ही राजा कमजोर होता है, और राजा स्वाभाविक रूप से कमजोर होगा क्योंकि जो नीचे वाले सामंत है वो अब लैंड रेवेन्यू ज्यादा ले लेते हैं। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे जैसे ही व्यापार में पतनावस्था की ओर बढ़ता है, यानी कि व्यापार जैसे ही कमजोर होता है, भारत के अंदर की राजनीति और यहाँ के साम्राज्य भी कमजोर होने लगते हैं। सेनाएं भी अब जो स्थायी सेना होती थी वो समाप्त होने लगती है, और उसकी जगह अब सामंतों की सेना पर राजा निर्भर रहने लगते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सामंतों की सेना इकट्ठी करके लड़ना कितना मुश्किल होता है, उनकी अलग अलग ट्रेनिंग, और वो सारे के सारे जो सामंतों के सैनिक है वो केवल सामंत के ही आदेश को मानते हैं। इस तरह से आप ये जो सामंतवाद अब जो सिक्कों की कमी और सोने की कमी से शुरू हुआ था, आगे जा कर के देखोगे कि जैसे ही मुस्लिम आक्रमण होते हैं गजनवी और गौरी के, तो भारत के राजा बहुत ही कमजोर होते हैं क्योंकि वो सामंतों की सेनाओं पर डिपेंड रहते हैं। तो इस तरह से पूरी की पूरी कहानी जो है वो कहीं ना कहीं व्यापार, मुद्रा, नगर इनके आसपास चलती है। जैसे ही आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है वो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देती है, और इस तरह से भारत में विदेशी जो तुर्क और अन्य मुगल आदि जातियां थी उनकी भारत में एंट्री होती है, क्योंकि भारत सामंतवाद की वजह से पूरी तरह से खोखला हो चुका था। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में अगली वीडियो जब आप देखोगे तो ये लेसन पूरा हो जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि एनसीईआरटी हिस्ट्री चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।